मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा सेशन है आर्ट ऑफ फॉलोअप, क्या है आज का सेशन? आर्ट ऑफ फॉलोअप पर आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। यस और नो? आज से पहले हम लोगों ने काफी चीजों पर अभी तक सेशन ले चुके हैं, आर्ट ऑफ डिप्लीकेशंस, आर्ट ऑफ 100% सक्सेस, उसके तीन पार्ट्स, 90% एक्साइटमेंट पर हमने बात की, 2% फाइन ट्यूनिंग, अपलाइन, लाइफलाइन, डाउनलाइन, हार्टलाइन, इसके ऊपर बात किया, और 8 स्टेप ट्रेनिंग की अभी तक हमने ड्रीम लिस्ट इनविटेशन और सो द प्लान, ये 4 लेशन पे बात किया, जिसमें से मैंने 3 लेशन की वीडियो ऑलरेडी जो है आप लोगों को डाल दिया है, किसमें? यूट्यूब पर, और सो द प्लान की वीडियो भी आज मैं अपलोड करवा दूंगा। अब बात करते हैं कि मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि अब वो समय आ गया है, जिस तरह से महाभारत में रणभूमि में जाने का समय होता है, उस तरह से इस बिजनेस में फॉलोअप भी आपके लिए रणभूमि है, और रणभूमि में जाकर के अब युद्ध करने का समय आ गया है आपको। किसके लिए? जो आपने अपने गोल को ड्रीम्स में कन्वर्ट किया है, सॉरी, ड्रीम्स को गोल में जो आपने कन्वर्ट किया है, उसके लिए समय आ गया है दोस्तों। यस और नो? जो आप लोगों ने गोल में कन्वर्ट, ड्रीम को गोल में कन्वर्ट किया, उसके लिए समय आ गया है, आ गया कि नहीं आ गया? और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने भी इस लॉकडाउन की पीरियड जो आज 21 दिन से बढ़कर के 40 दिन में कन्वर्ट हो गया, अभी तो ट्रेनिंग लेने का और आप सबके साथ हमारा मौका प्राप्त हो गया है। तो मैं यही बात करूंगा कि अगर आप लोगों ने अपनी गोल को सेट कर लिया है, और मुझे उम्मीद है कि इस और 20 दिन के दौरान एक कोशिश करें कि आपके लिस्ट चाहे फेसबुक से कलेक्ट करें, चाहे व्हाट्सएप से करें, मोबाइल से करें, अपने घर के एल्बम से करें, कैसे भी करके 100-150 से कोल्ड लिस्ट को 500 तक ले जाओ। सबसे पहले तो ये करो, अपने पास रॉ मटेरियल जुटा लीजिए, ठीक है? अब हम लोग बात करेंगे इन्विटेशन पे। लगातार जो ट्रेनिंग अपलोड करता हूं उसको कम से कम 10 बार एक ट्रेनिंग को सुने। कितने बार? 10 बार। जब तक आप एक एक ट्रेनिंग को, जैसे पार्ट वाइज मैं आपका एपिसोड चला रहा हूं, उस तरह से आपको लगातार सुनने हैं। जब तक आप लगातार नहीं सुनेंगे तो भूल जाएंगे, इसलिए मैं इसको रिकॉर्डिंग भी करा रहा हूं, लगातार आपको भेज रहा हूं कि आप लगातार इसको सुनते रहें। अब सबसे अहम मुद्दे जो आता है फॉलोअप, सबसे अहम मुद्दा जो इस बिजनेस का फॉलोअप है, उसको बोलते हैं रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्शंस एंड गेटिंग फाइनल रिजल्ट्स। माने यहां पर लोगों की जो मन के शंका का समाधान करके, और हम यहां पर अब डीडी निकालने की कार्रवाई करेंगे, और यहां से आपका डायमंड बनने की जो अवधि है स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। आप अभी से बिजनेस में कितने दमदारी के साथ फॉलोअप करते हो, कितने बम बन करके फॉलोअप करते हो, कितने कमांडो बन करके फॉलोअप करते हो, अब यहां से आपकी जो है आज से डायमंड बनने की, अपने गोल को पूरा करने के लिए अब यहां से जो है आपकी दुनिया की शुरुआत हो रही है दोस्तों। यहां से अब आपकी दुनिया की शुरुआत हो रही है, अब आप जा रहे हैं डायमंड बनने की नगरी की शुरुआत करने। तो आज मैं इसमें से 50% बात करूंगा। फॉलोअप की सेशन हमारा 3 दिन का चलेगा, कम से कम एक एक दिन गैप करके ही चलेगा जैसे मैं चलाता हूं, लेकिन 3 से 4 दिन फॉलोअप प्यार लगेगा। फॉलोअप का अगर सही मतलब समझे तो क्या है? फॉलोअप का सही मतलब है प्रोडक्ट प्लस रिलेशन इक्वल टू फॉलोअप। डीडी हमने क्या बोला? प्रोडक्ट प्लस रिलेशन इक्वल टू फॉलोअप। अब जब डीडी लेने के समय आ गया तो अब आपने मुख्य किस किस बातों पर ध्यान देंगे, थोड़ा इसको हम लोग जानते हैं, क्योंकि अब समय आ गया है आफ्टर प्लान। अब जब आप क्लोजिंग पर बैठते हैं तो अभी आपको कम बोलने का समय और गेस्ट को ज्यादा बोलने के लिए समय दिया जाता है। पहली पॉइंट, अगर आपने अपने गेस्ट को सही अवसर नहीं दिए बोलने के लिए और आप ही लगातार बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा। नंबर थर्ड, अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट लेना है तो बोलने का अधिक से अधिक समय और मौका किसको दें? गेस्ट को दें। पांचवा पॉइंट इसमें है, प्लान दिखाने के बाद क्लोजिंग की शुरुआत हम कैसे करें। ये सारी पॉइंट को पहले समझिए, प्लान दिखाने के बाद हम क्लोजिंग की शुरुआत कैसे करें। अगर आप कोल्ड कॉलिंग पे प्लान दिखा रहे हो, कोई आपके रिलेटिव्स नहीं है, आपके फ्रेंड नहीं है, तो कोशिश करें कि सर और मैम का इस्तेमाल शब्द का शुरू में जरूर करें, कि सर या मैम
आप दुनिया की एक अद्भुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखाने के लिए और देखने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरा पॉइंट फिर वहां पे आप क्या करेंगे, अभी आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको सबसे अच्छा हमारे इस बिजनेस प्लान में, चाहे इस अपॉर्चुनिटी में, चाहे इस प्रेजेंटेशन में सबसे अच्छा क्या लगा। मैडम, हमारी बेस्ट एजुकेशन सिस्टम, जहां हम सब लोग बिना जात भेदभाव का यहां एक साथ मिलकर काम करते हैं, इतना अच्छा माहौल, या हमारे कंपनी का प्रोडक्ट आपको बहुत बेहतरीन लगा, या हमारा कंपनी का बिजनेस प्लान आपको अच्छा लगा। तीन क्वेश्चन आप अपने गेस्ट से करते हैं और तीनों में से गेस्ट कोई ना कोई एक का आपको जवाब देगा। जे ही जवाब देता है कोई एक चीज क्या कि हमारा आपका बिजनेस प्लान और आपका प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा लगा सर, तो आपने वहां पर पहला आंसर देना है कि सर आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम करना चाहेंगे या फुल टाइम। तो दोनों में से एक आंसर आएगी। अगर वो सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो 99% लोग बोलते हैं इसको हम पार्ट टाइम करना चाहेंगे, यस और नो। जैसे ही दोनों में से आपके पास में एक रिजल्ट वो दे देते हैं कि हम पार्ट टाइम करना चाहेंगे, फुल टाइम करना चाहेंगे, तो बधाई हो सर, मैंने भी इस बिजनेस को आर्मी के नौकरी करते हुए पार्ट टाइम ही चुना था सर। जब इतनी बात उनसे आपकी हो गई, तो होने के बाद में जब उन्होंने बोल दिया पार्ट टाइम, तो वहीं पर क्वेश्चन कर दीजिए कि चलिए हमारे वेन्यू पर एक साइन अप फॉर्म का काउंटर लगा है और वहां से सर हम लोग फॉर्म खरीद करके लाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर अपने पास से फॉर्म निकालेंगे तो आपका 500 रुपये फंस सकता है, इसलिए काउंटर बनाइए अपने वेन्यू पर, वहां से बोलिए कि वहां से हम सर या मैडम फॉर्म खरीद करके लाते हैं। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जब फॉर्म लेकर आएंगे, फॉर्म भर भी दिया, तब अगला करवाई कोशिश करिए कि अगर उस टाइम होने वाला है, ऑनलाइन का बिजनेस आ गया, उसी टाइम करवाई कर दीजिए डीडी के लिए। अब बोलिए कि सर प्रोडक्ट सिलेक्शन और पेमेंट की बात होगी। बहुत सारी प्रोडक्ट दिखाने के बाद कोशिश करिए कि पहले प्रोडक्ट आप ही अपने तरफ से रिकमेंड कर दीजिए, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, 200 बीवी का कोई प्रोडक्ट आपने पहले रिकमेंड कर दीजिए। आपको गीता अच्छा लगता है तो सबसे पहले गीता रिकमेंड कर दीजिए, और रिकमेंड करने के बाद उसी टाइम आप पूछ लीजिए कि पेमेंट अब इसका हम कैसे करेंगे। ऑनलाइन में आजकल बहुत सिस्टम है, बाई एटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, इंटरनेट बैंकिंग है, और लास्ट में ऑप्शन दे जब सब कुछ नहीं है तो कैश का, अगर वो भी नहीं है तो सबसे लास्ट में चेक का ऑप्शन देना है। चेक का ऑप्शन जल्दी नहीं देना है, और चेक का ऑप्शन अगर जल्दी आप देते हैं तो उससे क्या दिक्कत आएगी कि हो सकता है कि चेक बाउंस भी हो जाए, इसलिए आप ज्यादातर ऑनलाइन की ऑप्शन दें। इसके बाद जो पांचवा नंबर बात होगी, ये क्या होगी फॉलोअप में क्लोजिंग के दौरान, इस सारे कुछ करने के बाद फिर भी गेस्ट बोलता है कि नहीं हमको सर टाइम मांगने लगता आपसे। जे ही आपसे टाइम मांगता है और आपकी वेन्यू दिन में चला है 12 बजे चाहे 1 बजे, तो आप अपने तरफ से टाइम फिर निर्धारित कर दिए, सर आज शाम को 5 बजे मिले या फिर कल सर सुबह 10 बजे मिले। इतनी तो कार्रवाई आपकी हुई जो कि आफ्टर प्लान गेस्ट से क्वेश्चन आंसर करने की। ये बातें 99% डायरेक्ट सेलर सेल्स शॉप की ये गलतियां करते हैं। हालांकि मैं जो आपसे बात कर रहा हूं इसका वीडियो भी आपको अपलोड मिल जाएगा, लेकिन इस बात को आज ध्यान से सुनेंगे तो उदिन और ज्यादा समझ में आएगा। अब बात आती है कि फॉलोअप में, अब फॉलोअप को हम लोग कैसे टच करें दोबारा उसके पास, तो इससे पहले आप क्या करें, यही आपने टाइम लिया ना, एक जीने की आजादी बुक अपना दे दीजिए उसको, और जे ही आप जीनों की आजादी बुक दे देंगे तो उससे फायदा क्या होगा कि वो व्यक्ति अब पढ़ेगा और आपको अपने बुक लेने के माध्यम से अप्रोच करने का दोबारा मौका मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इतनी बात समझ आए। क्यों मैंने बोला कि आज 5 बजे शाम या कल 10 बजे सुबह, क्योंकि हमारा इस बिजनेस का रिजल्ट 24 घंटे में अच्छा आता है। एक नॉर्मल बुखार लगा हो और उसका इंजेक्शन दें और पता चले बाद में कि मलेरिया है, तो 24 घंटे के बाद दोबारा फिर बुखार आ जाता है। अपने बिजनेस में 24 घंटे के बाद इंसान अक्सर भूल जाता है दोस्तों, इसलिए हमें कोशिश करना है कि जो आप उसको टाइम देते हैं 24 घंटे के अंदर दें तो ज्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, क्योंकि अब आप उसके घर पे फॉलोअप पर जाना है। अगर आप 48 घंटा अगर टाइम दे देते हो तो 50% रिजल्ट आने के मौका रहेगा,
लेकिन अगर 48 घंटे से ज्यादा दोगे तो आपका रिजल्ट आने की भी मौका नहीं रहेगा। लेकिन नोट एक बात मैं बताता हूं कि अगर आप लगातार फॉलोअप पर जाते रहेंगे, फॉलोअप करते रहेंगे, जिस तरह आपके घर में अगर नलके को खोल दो और पानी बार बार गिर करके जगह को छेद कर देता है, पत्थर को छेद कर देता है, तो इसे बिजनेस में लगातार और बार बार फॉलोअप करने से तो दोस्त रिजल्ट मिलता है। देखिए फॉलोअप को हम अपने बिजनेस की क्या मानते हैं, ब्रेन ऑफ द बिजनेस, इस बिजनेस का ब्रेन है फॉलोअप। और फॉलोअप ढंग से नहीं हुआ, आप लाखों प्लान दिखा देंगे, आपके पास रिजल्ट नहीं आएंगे, आपका डायमंड बनना बहुत दूर की बात हो जाएगी, आप सिल्वर नहीं बन पाएंगे। फॉलोअप जब भी आप वेन्यू पर करते हैं तो कोशिश करिए कि राउंड द सर्कल करें, और आपके पास 4, 5, 6 से ज्यादा गेस्ट हैं तो कोशिश करें कि अपने गेस्ट, अगर दूसरा किसी लीडर्स का गेस्ट नहीं आया है तो कुछ गार्ड गेस्ट पहले से सेटअप कर दें, कुछ गेस्ट हम उनके पास बैठा देंगे। ये मेरी बात आप सबको समझ में आ रही होगी। और फॉलोअप की एक स्टैटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोअप क्या है मैं उसके बारे में बताऊं कि पहला बार किसी को अगर फॉलोअप आप करते हैं, फर्स्ट कॉन्टेक्ट में 2% रिजल्ट आने की संभावना होती है। या तो कोई अच्छा आदमी मिल गया तो एक बार में डीडी दे दिया, नहीं तो कोई जल्दी एक बार में डीडी नहीं देता है। आप सारे लोग एक बार डीडी दे चुके हैं, आप सबको पता होगा। और 3% रिजल्ट लेने के लिए 2 बार कॉन्टेक्ट करना पड़ता है दोस्त, और 5% रिजल्ट लेने के लिए 3 बार कॉन्टेक्ट, और 10% रिजल्ट लेने के लिए 4 से 5 बार मिलना पड़ता है, और 80% रिजल्ट लेने के लिए 5 से 12 बार मिलना पड़ता है। ये बातें आप सबको समझ में आ गई होगी। अब फॉलोअप पर जाने से पहले किन किन बातों को ध्यान दें, इसको जानना जरूरी है। सबसे पहले हमने आपको प्लान वाली सेशन में बताया था कि आपको मित्र अपने टूल्स बैग रेडी करना है, प्लान दिखाने वाला दिन और फॉलोअप में आपका रेडी रहना चाहिए। उसमें जीने की आजादी की 2 बुक, सवाल ही जवाब की 1 बुक, प्लान फोल्डर, अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप, कंपनी का प्रोडक्ट ब्राउचर कम से कम 3-4 पीस, आपका ड्रीम बुक, आपका लिस्ट बुक, बुक जीने की आजादी 1-2 एक्स्ट्रा, ब्राउचर सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में, प्लान सॉफ्ट कॉपी आपके मोबाइल में, एजुकेशन किट जो आपके पास अपलाइन से खरीदा हुआ, और टेस्टी मनी ऑल टाइप्स ऑफ लीडर का आपके पास होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि स्टूडेंट के फॉलोअप पर जा रहे हैं तो उस टाइम आपके पास स्टूडेंट से रिलेटेड 3-4 वीडियो होना चाहिए। अगर आप मान लीजिए कि हाउस वाइफ के फॉलोअप पर जा रहे हैं तो हाउस वाइफ की 2-4 वीडियो होना चाहिए। और आप कोई डिफेंस पर्सनल के पास जा रहे हैं तो इस तरह के वीडियो, ये सारी आपके पास यूट्यूब पर अवेलेबल है, पहले से अपनी सब फोल्डर बना करके अपने लैपटॉप में अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रख लें। ऑल टाइप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट सेफ शो पाइप के कॉर्नर से जाकर के लोड करके उसका प्रिंट आउट कर लीजिए, 100 पेज का है, उसको एक बाइंडिंग करके ले लीजिए। जो आप वर्कशॉप में आए हैं आपका इतना अच्छा अच्छा फोटो जो आता है वो सारी फोटोज की अपनी एल्बम अपनी साथ में रखिए। ये सारे टूल्स आपको फॉलोअप में काम आएगा। इसके बाद ये तो आपका टूल्स बैग तैयार हो गया फॉलोअप में जाने से पहले। अगला कार्रवाई क्या करनी है, अपना ड्रेस कोड देखना है। अगर अपने रिलेटिव पे फॉलो करने जा रहे हैं तो नॉर्मल ड्रेस होगा, लेकिन आपकी जो अपलाइन होगी उसका फॉर्मल ड्रेस होगा। अगर आप नॉर्मल पहन के जा रहे हैं अपने रिलेटिव में अपने दोस्त के पास, तो आपके अपलाइन के पास फॉर्मल ड्रेस पक्का होगा। फॉर्मल ड्रेस की ध्यान रखना, अपनी सॉक्स का ध्यान रखना कि सॉक्स कहीं बदबूदार वाला तो नहीं पहने हो, थोड़ा परफ्यूम वगैरह यूज करके जाना, एक मेन आपकी ड्रेस कोड है। मैं हर जगह बात करता हूँ ड्रेस कोड, आपकी आउटर पर्सनैलिटी की, जैसा दिखोगे वैसा बिकोगे। अगर आप बिल्कुल ही नए हैं तो आप वहां पर जाने के बाद सबसे पहले अपनी अपलाइन की उस गेस्ट के साथ एडिफिकेशन करें और उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन कराएं कि देखिए ये मेरे अपलाइन हैं मिस्टर सुकमल सर, जो कि एक टीचर होते हुए सर आज इस बिजनेस को करते हैं और अपने टीचिंग लाइन से भी 50,000 रुपये कमाते हैं और यहां से कम महीने में 30-40,000 रुपये कमाना शुरू कर दिए दोस्तों। सर ये भी हमारे जो मित्र हैं ये भी सर टीचर हैं और लेकिन ये प्राइवेट जॉब में है सर, आप सरकारी जॉब में हैं, मैं चाहता हूँ सर थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए कि आप इस बिजनेस के माध्यम से कैसे इतना अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कैसे टीम बना रहे हैं। तो हमेशा एडिफिकेशन, अगर आप अपने अपलाइन की एडिफिकेशन करिए और गेस्ट का आइडेंटिफिकेशन करिए। लेकिन लोग ज़्यादातर उल्टा क्या करते हैं कि अपने गेस्ट का ही एडिफिकेशन करने लगते हैं और अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन, एडिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में आपको फर्क समझना होगा, ये बहुत अहम भूमिका निभाती है आपकी फॉलोअप के दौरान। उस समय फॉलोअप अगर आपकी अपलाइन के साथ शुरू हो जाता है कोई एक क्वेश्चन को लेकर के, भाई कंपनी भाग गई तो इस क्वेश्चन को लेकर के शुरू हो जाता है, तो वहां पर आपकी अपलाइन आपके लिए बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है, बहुत मेहनत करने के लिए तैयार है कि आपका उसका साइनअप उसका डीडी कैसे ले रहे,
उस टाइम आप सब्र करके बैठें और देखें, मुस्कुराएं और सीखते रहें कि हमारे अपलाइन जो है, अपने अपलाइन पर भरोसा रखें कि मेरी अपलाइन कैसे फॉलोअप कर रही है। हाँ, ये जरूर काम करेगा। उस गेस्ट के घर में गए हैं, एक बढ़िया टीवी लगा है, चाहे उनके घर में बढ़िया कॉटन पर्दा लगा हुआ है, चाहे उनके घर में उनके बच्चों का अच्छा व्यवहार लगा, उनका फैमिली का, तो बोले कि बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत आपके घर का टीवी बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छी चीज का उनके घर की बड़ाइयां भी करनी चाहिए। जो चाहे उनके घर में, कोशिश करिए फॉलोअप में तो चाय बिस्किट तो नहीं खाएं, लेकिन कोई ऐसा चीज दिखता है आपको आकर्षक, तो उसकी एक बार बड़ाइयां जरूर करना है। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, और जो हकीकत बड़ाइयां है वही करना, झूठी बड़ाइयां मत कर देना। यह सुनो, ये बात थी मेरे ख्याल से फॉलोअप से जाने से पहले की बात होगी। अब क्वेश्चन आंसर, जब गेस्ट के घर में, जब हमेशा आपको अब क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप दो तीन बातों को ध्यान रखिए। क्वेश्चन आंसर पर आप जा रहे हैं दोस्तों, अब आपकी परीक्षा आ गई है, अब क्वेश्चन आंसर होगा और आपके साथ में तांडव शुरू होगा। तो तांडव शुरू होने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान देना है। अब तांडव शुरू करेगा, वो तांडव शुरू करेगा, नाना प्रकार की जब क्वेश्चन पूछेगा, तो आपने 3F टेक्निक का फॉलो जरूर करना है। F फॉर फील, F फॉर फेल्ट और F फॉर फाउंड। फील का मतलब महसूस कराना या समझाना, फेल्ट का मतलब महसूस करता था, हम भी, मुझे भी ऐसा लगता था, फाउंड सर पाया, पता चला कि, फील फेल्ट फाउंड। इस तीन टेक्निक इस्तेमाल बहुत जरूरी है। आमतौर पर गेस्ट द्वारा पूछे गए सवालों का क्वेश्चन क्या होता है, सबसे पहले आप अपने दिमाग में अस्थायी रूप से क्या बना लें कि भाई एक कारोबार जो है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? डुप्लीकेशन का बिजनेस है। कभी भी इसमें अपनी दिमाग ना लगाएं, और अपने दिमाग लगाएंगे तो आप यहां पर फेल हो जाएंगे। यहां हमेशा सिस्टम के बताए हुए फॉलोअप के दिमाग से ही अगर फॉलोअप करेंगे तभी आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। जो भी एसोसिएट इसको दिल से करेगा उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, और जो एसोसिएट इसको दिमाग से करेगा, सही ढंग से अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा तो उसको अच्छा दिमाग नहीं, अच्छा उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसको डीडी अच्छी नहीं मिलेगी। ध्यान देना, हमेशा आपने डुप्लीकेशन करना, जिस तरह से हमने आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में आगे सिखाएंगे दोस्तों। अगर आप इस पर नहीं ध्यान देंगे तो आपकी रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। जवाब की जब शुरुआत, जब वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो तीन बातों को ध्यान में रखना। सर या मैम ये जरूर बोलना, अगर आप कोल्ड कॉलिंग पे जाते हैं, अपने रिलेटिव को प्लान नहीं दिखाते हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, एकदम गांठ बांधो। फॉलोअप सेशन का मैं बोलूं कि इंडिया के कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, इतना बेहतरीन फॉलोअप जो हम लोग करते हैं, इतना बेहतरीन टेक्निक किसी के पास नहीं है। तो इसलिए इस टेक्निक को आप सही तरह से इस्तेमाल करें कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगा था, समझ में आता था फेल्ड, लेकिन जब मेरी पूरी अपलाइन ने डिटेल से समझाया तो मैंने भी पाया कि ऐसा ही है। मतलब ये तीन चीजों की आप गांठ बांध लें, अगर तीन चीजों की अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो दोस्त आपको बिजनेस में जो मैं छोटी छोटी सावधानियां बताई, आप फेल नहीं होंगे। फॉलोअप पर जाने से पहले आप प्रॉपर तैयारी करके जाएं, आपकी टूल्स बैग रेडी होना चाहिए, अपने अप्लाइंग से पहले समय ले लें, कोशिश करें कि आप बिल्कुल नए हैं तो अपने साथ, नए हैं तो आप अपने साथ अपने अप्लाइंग को पहले समय लेकर अप्लाइंग को ले जाएं। 8-10 फॉलोअप जब आपकी अप्लाइंग दे देगा तो आप ऑटोमेटिक फॉलोअप करना सीख जाएंगे, और उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर को अपने याद करते रहें। ये सारी मैं मोटे तौर पे अगर आप सही रूप से अपना तैयारी करके चलते हैं तो दोस्त आपके पास रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग फॉलोअप में सबसे मेन पॉइंट्स पे। अब फॉलोअप में क्या क्या लोग क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आज ओनली फॉर क्वेश्चन बताऊंगा और अगले पीरियड से क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा आपको, और कम से कम मैं आपको इस बिजनेस को लेकर के 70 से 80 क्वेश्चन लेकर के टोटल आऊंगा और सारी क्वेश्चन को आपको जवाब भी दूंगा। तो आज हम क्वेश्चन आपको बता देता हूं कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे बिजनेस में पूछे जाते हैं। सर मेरे पास समय नहीं है इसलिए मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकता। जवाब देने से पहले आप बिल्कुल वही बोलेंगे कि सर आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, मैम आप बिल्कुल सही कर रही हैं। पहला शब्द ऐसा क्यों बोला जाता है, इसको बोलने से उनका मुंह हो जाता है बंद, हमारा मुंह स्टार्ट हो जाता है।
दूसरा क्वेश्चन है मेरे पास पैसा नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है मैं तो बहुत अच्छा पोस्ट पे हूँ, बहुत अच्छी नौकरी करता हूँ, बहुत इज्जतदार लोग हैं और हम किसी के पास जाएंगे इस बिजनेस को लेकर तो लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, ऐसा लोग आपसे बोलेंगे। आप सुनते रहिए तो अब आंसर की जवाब आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और जब इस आंसर की जवाब आपको आता है तो बहुत आसानी से दे देंगे। यह तो टोपी पहने पहनाने की काम है और आप अच्छी तरह से आंसर याद की है जीने की आजादी बुक से और बिल्कुल संतुष्ट होकर के मुस्कुराते हुए चेहरे पर मुस्कुरान और आपकी गर्दन मिस्प्रिंग होनी चाहिए एकदम मुस्कुराते हुए एकदम खुश होकर के थोड़ा हंस भी लीजिए, ऐसे हंसेंगे तो आपका धंधा होगा। मुझे तो ठीक से अंग्रेजी बोलने नहीं आता, मैं तो कम पढ़ा लिखा हूं, मैं इस बिजनेस को कैसे करूंगा। आपके तरह सर सभी के अंदर में लीडरशिप की गुण नहीं है, सर मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं है, मैं तो इसको कर ही नहीं पाऊंगा। अगला क्वेश्चन आएगा आफ्टर ज्वाइनिंग, लोग क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर, जब आपके साथ ज्वाइनिंग हो जाएंगे ना तो उसको बोलते हैं ऑब्जेक्शन ऑफ हैंडलिंग। अब उनके पास में कुछ डाउट उनके मन में आते हैं, क्या डाउट आएगा, सर आप बार बार मुझे ट्रेनिंग में आने के लिए, फंक्शन में आने के लिए, संडे को बहनों में आने के लिए, वर्कशॉप में हरिद्वार गोवा जाने के लिए सब सर बार बार मुझे क्यों कहते हैं, सर क्यों हमको बार बार परेशान करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ। तो आपने अगर इस तरह के लोग क्वेश्चन भी करते हैं दोस्त तो आपने यहां पर यह ध्यान रखनी है कि घबराना नहीं है, कौन सा क्वेश्चन के आंसर आप जीने की आजादी से याद करके बताना है, मैं भी आपको अगले सेशन में बताऊंगा। सब तो ठीक है पर दो नहीं बना तो, ये सब मेन मेन क्वेश्चन है सर, सब ठीक है दो नहीं बना तो, सब कुछ अच्छा है, अगला क्वेश्चन सब कुछ अच्छा है परंतु प्राइवेट कंपनी है सर, अगर सरकारी होता ना तो मैं इस बिजनेस को जरूर ज्वाइन कर लेता, और इसके आप सही आंसर जानते हैं तो सही जवाब दे देंगे, देंगे या नहीं देंगे। आपको आपके काम में व्यक्ति विकास पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे होता है, बार बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं कैसे होता है, ये लोग भी क्वेश्चन आपसे करते हैं, ज्वाइनिंग की बात ही करते हैं उससे पहले भी करते हैं, डाउट होता है ज्वाइनिंग के बाद डाउट हो जाता है। इस काम को नेटवर्क मार्केटिंग को लोग ठीक नहीं समझते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। कम लोगों को सफलता मिलती है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग आगे चलते रहेगी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है मार्केट में। मैं घर पे पूछ करके जवाब या निर्णय लूंगा, ये क्वेश्चन नॉर्मली आता है। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी भाग गई तो, या बहुत से कंपनी की बंद होने की क्या कारण है, ये भी क्वेश्चन आता है। ये चैन सिस्टम है, ये भी क्वेश्चन आपके पास आता है। सिचुएट कंपनी पूरी इंडिया के लोग खत्म हो जाएंगे तो बिजनेस ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, जैसे कोरोना चल रहा है अभी। मैं तो सर बहुत डिले हो गया, बहुत पहले किए थे इसलिए आप इसमें सफल हो गए। कोई क्वेश्चन करेगा सर मेरा तो अभी समय सही नहीं चल रहा है, सर अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, अभी मैं नहीं कर सकता हूँ, अभी मेरा अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को बिजनेस में ज्वाइन कराया परंतु कोई नहीं काम करता है। ज्वाइनिंग करने के बाद आप सबकी क्वेश्चन रहती है, खास करके एक हमारे जो लीडर हैं जमुई से बिहार से, वही ज्यादा रोते रहते हैं मेरे साथ, आज जुड़े भी होंगे मेरे ख्याल से, तो बहुत ऐसा क्वेश्चन करते हैं रितेश जी, तो उनको मैं इसमें आगे बात करूंगा। मैं किसी को सर नहीं जानता क्योंकि मैं इस शहर में नया हूं, अभी आया हूं, ऐसा भी क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है। पहले अपने पत्नी से पूछूंगा तब बताऊंगा, कोई बोलेगा पति से पूछ के बताऊंगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। मैं सर पहले भी कोशिश किया था, मैं दूसरे कंपनी में ज्वाइनिंग किया था परंतु सफलता नहीं मिल पाई, ये भी क्वेश्चन आपके साथ आ सकता है। कोई यही बोलेगा सर मैं आपकी कंपनी के क्यों ज्वाइन करूं, बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ऐसा भी आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है। मैं कर लेता बट प्रोडक्ट की रेट की जो प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी बहुत ज्यादा प्रोडक्ट का रेट है सर, मैं नहीं कर सकता हूँ सर, मार्केट के रेट से ज्यादा है, ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ये बिजनेस नहीं चलता है, कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने इसको कर करके फेल हो गए हैं, ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं। आप ज्यादातर फील्ड में घूमते हैं, प्लान दिखाते हैं, इस बिजनेस को कर लेता लेकिन मेरे बच्चे छोटे हैं सर मैं कैसे करूंगा, ऐसे ही बहाने आपके बताएंगे। इस बिजनेस के नाम से लोग कतराते हैं सर, आने को कह करके नहीं आते हैं प्लान देखने, ऐसा भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है और आता है, हम सब लोग ग्राउंड में काम करते हैं तो आता ही है। यदि ये बिजनेस इतना अच्छा होता तो इंडिया के सब लोग इसको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं सर, ऐसा भी क्वेश्चन कोई कोई पूछता है। घर घर में जाकर के मैं किसी के साथ हाथ पैर नहीं जोड़ सकता सर, ये मेरे बस की नहीं बात है,
ऐसा भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इसका एक ही लाइन में जवाब आप दे सकते हैं, सर आपको अब बिल्कुल सही बोला, हमें भी यही क्वेश्चन का आंसर समझ में नहीं आता, मेरी अपलाइन ने बोला कि आपको किसने बोला घर घर जाने के लिए, मैं तो आपको एक ही चीज बोलता हूँ कि आप खाली संडे पर मीटिंग में वेन्यू पर लाकर देखिए ना, वहां पर कितने लोग सबसे आपको दिखते हैं। शॉर्ट ब्रीफ करके आप एक लाइन में भी बहुत अच्छा आंसर दे सकते हैं, जो मैं आपको अगले लेशन में बताऊंगा। मेरे जान पहचान का कोई नहीं है सर, मैं इसलिए इस बिजनेस को नहीं कर सकता, ऐसे करके नाना प्रकार के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। मैं तो सर जुड़ जाऊंगा, बहुत लोग ऐसे क्वेश्चन आपसे करते हैं कि मैं तो जुड़ जाऊंगा सर, लेकिन मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, ऐसा भी क्वेश्चन आप लोग के साथ आता है कि नहीं आता है। सर मैं जुड़ जाऊंगा सर, मैं तो डॉक्टर हूं, मेरे पास तो लोगों की लाइन है, सर मेरे को कहने में शर्म हो जाता है। फिर आप बोलते सर आप मुझे लिस्ट दे देना, ये कर देना, ये सारी क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो ऐसे करके मैं 70 क्वेश्चन के साथ आपके पास अगले अगले सेशन में आऊंगा, एक एक सेशन में 15 से 20 क्वेश्चन आपको मैं क्लियर करूंगा। लेकिन कभी भी जब आप दोस्त फॉलोअप पर जाते हो, ये तो क्वेश्चन हो गया, इसका मैं क्लियरिटी आज आधे घंटे में तो नहीं सकती है, तो मैं क्या कर करूंगा। तो कभी भी आप आंसर के जवाब देते हो, कभी नेवर एवर आर्ग्यू, कभी आर्गुमेंट मत कीजिए अपना बिजनेस में। कोई ऐसा भी है, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाला लोग मिल जाएगा, मेरी कंपनी अच्छी है, तुम्हारी खराब है, मेरा प्लान अच्छा है, आप लास्ट में जरूर बात बोल दें, कहीं मुंह लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजनेस करने के लिए आए हैं, डायमंड बनने के लिए आए हैं। आप लास्ट में हाथ जोड़ कर बोल दिए कि सर आप तो जीत गए और मैं ही हार गया, सर नमस्कार, कोई बात नहीं सर, आप जीत गए, मैं हार गया। आर्गुमेंट करने से आप अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, तो कभी भी आपने अपने आर्गुमेंट इस बिजनेस में नहीं करना है। और 3 गोल्डन वर्ड को हमेशा फॉलो करना है, फील फेल्ट और फाउंड, फील फेल्ट फाउंड को कभी नहीं भूलना, फील फेल्ट और फाउंड को कभी भूलना नहीं। अब देखिए ज्यादातर आपसे क्वेश्चन करने की मैं 3-4 बातें आपको मेन निचोड़ बता देता हूं अपने बिजनेस का ज्वाइनिंग का। अपने बिजनेस में 4 प्रकार की ज्वाइनिंग आती है। एक तो आती है ऑब्लिगेशन ज्वाइनिंग, आपके साथ वाले लोग हैं, आपके मित्र हैं, आपके कहने से बोले हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मैं तुम्हें डीडी दे देता हूं, वो आपके साथ करेगा नहीं करेगा लेकिन आपको डीडी दे देगा, एक तो काम में हो जाएगा आपके साथ, वो करे या ना करे लेकिन आपको डीडी दे देगा, पहला पॉइंट। दूसरा कंपल्सरी ज्वाइनिंग है, जो आपका दोस्त आपके रिलेटिव आए घर परिवार वाले, तो एप्लीकेशन ज्वाइनिंग 40% आपका होता है। ये 4 प्रकार की ज्वाइनिंग होती है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो पहला एप्लीकेशन ज्वाइनिंग, दूसरा 2 कंपल्सरी ज्वाइनिंग, तीसरा इमोशनल ज्वाइनिंग, और 4 में होता है अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग। तो एप्लीकेशन ज्वाइनिंग, कंपल्सरी ज्वाइनिंग और इमोशनल ज्वाइनिंग, ये 3 प्रकार की जो ज्वाइनिंग होती है, एप्लीकेशन ज्वाइनिंग, कंपल्सरी ज्वाइनिंग और इमोशनल ज्वाइनिंग, ये 3 प्रकार की जो ज्वाइनिंग होती है, मैक्सिमम करके जो ज्वाइनिंग होती है ये आपके हॉट और वार्म लिस्ट से आ जाती है, मतलब इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन ज्वाइनिंग 40% होती है, कंपल्सरी ज्वाइनिंग 20% और इमोशनल ज्वाइनिंग 15%, अर्थात 70% टाइप की ज्वाइनिंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आंसर की जरूरत नहीं पड़ता है, ये सारी ज्वाइनिंग आपकी फेस वैल्यू के ऊपर आ जाता है, आप समझिएगा मेरी बात। मार्केट में अंडरस्टैंडिंग ज्वाइनिंग, जो स्ट्रेंजर के लिस्ट से जो कोल्ड कॉलिंग की ज्वाइनिंग होती है, मात्र आपको 25% ज्वाइनिंग के लिए इस बिजनेस में जो है वो आपको मशक्कत करनी पड़ती है। कितने परसेंट ज्वाइनिंग के लिए? मात्र 25% ज्वाइनिंग ही आपकी टफ ज्वाइनिंग होती है, बाकी 70 से 75% जो ज्वाइनिंग है आपकी बहुत आसानी से आती है। क्योंकि जब आप फॉलोअप पर जाते हो तो एनुअल टाइम में स्ट्रेंजर के भी लिस्ट से आपके साथ में हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट निकलते रहता है, तो ये दोनों लिस्ट पे काम करना आपके लिए बड़ी आसान होता है, और टफ काम होता है स्ट्रेंजर ज्वाइनिंग। तो स्ट्रेंजर ज्वाइनिंग 25% के लिए ही आपको 100, 50, 20 कम से कम 20 क्वेश्चन आंसर तो आपके पास मैडम याद होना चाहिए। अगर एक बार याद कर लिए तो पूरे जीवन मार्केट में उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आप अपने पर्सनालिटी व्यक्तित्व को बना करके अगर ठोक कर जवाब देंगे, खुट्टा ठोक के जवाब देंगे, तो दोस्त डीडी की बरसात तो ऑटोमेटिक आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग ठोक के जवाब नहीं देते हैं, हम अपनी वॉइस को 25% एक्स्ट्रा करके बात नहीं करते हैं, हम मोटिवेशन के साथ बात नहीं करते हैं, तो इसलिए हमारी ज्वाइन, हम अपने अपलाइन के पीछे अपनी दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमारी ज्वाइनिंग आने में सारी प्रॉब्लम आ जाती है। हमने बोला कि बिजनेस डुप्लीकेशन का है, दिल का है, दिमाग का बिजनेस नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि दिल लगाना बंद और दिमाग लगाना ज्यादा शुरू कर देते हैं, और इसी कारण से हम लोग का बिजनेस जो है
बहुत तेजी से आगे नहीं चलता है। ये फॉलोअप की कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं जिनको एकदम आपकी जीने की आजादी किताब में भी दिया हुआ है, मैं अपना वीडियो भी डाल दूंगा, और अगला जो सेशन मैं लूंगा 16 तारीख को, उसमें ऑब्जेक्शन ऑफ हैंडलिंग फॉलोअप की क्वेश्चन आंसर मैं आपको बताऊंगा। और जितने भी लीडर्स हैं और जितने लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं और आपके मन में जितना भी क्वेश्चन है इस बिजनेस को लेकर के, आप सारी क्वेश्चन मेरी पर्सनल नंबर पर भेजने की कोशिश करें। मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को कि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन हैं, आप सारे लोग, मेरी आवाज आ रही है आप सबके पास? हेलो, आवाज आ रही ना? तो आप लोग ज्यादातर इस तरह की क्वेश्चन आपके साथ में आते चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन लास्ट में जो हर दिन की बात मैं समझाता हूं कि ये सब काम करने के लिए आप अपनी सिस्टम को कभी मत भूलना, लगातार डुप्लीकेशन करते रहना, आप जो गोल बनाए हो, आपके पास जितनी भी दिक्कतें फॉलोअप में आती है, एक साइड में फॉलोअप को रख लेना और एक साइड में दोस्त अपने ड्रीम्स को रख लेना, जो आपने अच्छी अच्छी बड़े बड़े ड्रीम्स रखे हैं। और जो ही फॉलोअप में दिक्कत आता है, घर जाकर के फिर अपना गोल देख लीजिए, अरे मेरा तो ये गोल है, हम तो इस गोल, ये मेरा रीजन है जिस रीजन के कारण से मैं फॉलोअप में जाता हूँ। अरे दोस्त, अगर लगातार आप लोग करते रह गए, लगातार करते रह गए, अपने ड्रीम को फॉलोअप से कंपेयर करते रह गए, ड्रीम को फॉलोअप से कंपेयर करते रह गए, अगर लगातार ड्रीम से फॉलोअप कंपेयर करिए, जब रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर अपने ड्रीम गोल्स को देखिए, फिर गोल्स को देख करके फिर फॉलोअप में जाइए। जब इसको लगातार, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य के कर रहा हूँ, एक अच्छी गाड़ी के लिए कर रहा हूँ, एक अच्छा सेहत के लिए कर रहा हूँ, जितने भी आपके ड्रीम्स है, सारे ड्रीम्स को सामने रख करके ड्रीम्स का वेट को तराजू पर भारी कर दीजिए, तो फॉलोअप ऑटोमेटिक आपका हल्का हो जाएगा। और फॉलोअप टेक्निक अगर आप सीख गए ना, तो दोस्त आपके पास डीडीओ की लाइन लग जाएगी, डीडीओ की लाइन।